तो हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय है और बैठे बैठे हमको और पाजी को खाने की लग गया चिकन। तो चिकन रखा हुआ है 2 दिन से फ्रिज में पड़ा हुआ है, निकाला नहीं, तो सोचा उसी को बना के खा लेते हैं। ऑर्डर करने से पैसा बहुत लगेगा, क्यों वेस्ट करना, चिकन फ्रिज में है उसी को बनाएंगे। आओ चिकन को दिखा रहा हूँ, 2 दिन से पड़ा हुआ है फ्रिज में, बनाते हैं इसको। तो अंदर तो है खाने पीने के लिए बहुत सामान, लेकिन ये सब अभी खाने का मूड नहीं है। तो ये रहा चिकन, मतलब पूरा फ्रीजिंग हो चुका है ये, पूरा टाइट हो चुका था ये, मतलब पूरा हार्ड हो गया। तो इससे पहले पिघलने देते हैं, गर्म पानी के ऊपर थोड़ा देर रख दूंगा, जल्दी पिघल जाएगा, उसके बाद बनाएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देगा हम, तो पानी डाल देने से क्या होगा, फ्रीजिंग होने से भी थोड़ा जल्दी पिघल जाएगा। इसमें ये नॉर्मल वाटर है और फ्रीजिंग वाटर में डाल दूंगा तो थोड़ा जल्दी पिघल जाएगा। तो थोड़ा देर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, पिघल जाएगा तो फिर उसको कट करके फिर हम कुकिंग करेंगे इसे। अभी इसको थोड़ा पानी डाल के थोड़ा बॉईल करूंगा, थोड़ा मतलब कम से कम 5-10 मिनट आपको इससे बॉईल करना है। उसके बाद इसको निकाल के ग्रिल मसाला वसाला डाल के ग्रिल फ्राई करेगा इसको, तब तक मैं इसको पानी डाल के बॉईल कर लेता हूँ। तो इसको उसके बाद इसमें मसाला मिक्स करके ग्रिल फ्राई करूँगा। तो ये अभी उबल रहा है तो उसको एक बार पलट देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो कैसा हो गया ये, मतलब ऐसा लग रहा है कि आम काट के रखा ऐसा हो गया। तो इसमें मसाला मतलब अच्छे से घुस जाएगा अगर आप मसाला लगाओगे तो इसमें। तो और थोड़ा देर हमें देंगे इसमें। तो ये अभी उबल के हो चुका है, तो इसको हम लोग अभी निकाल लेंगे बाहर। तो आप मतलब आप देख सकते हो मतलब इतने अच्छे तरह से मतलब ये पक चुका है। तो इसको मतलब देखिए आप इतना अच्छे से मतलब पक चुका है, देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छा से इसमें मतलब लगा देंगे मसाला वगैरह। ये तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं, अभी ये गर्म है तो उसको मैरिनेट होने के लिए थोड़ा देर के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो इसको अभी यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए ऊपर रख देते हैं इसको। तो ये ठंडा हो चुका है तो इसमें अभी हम लोग मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, आपको देख लीजिए आपको कितना डालना है, यहाँ पे एक ही पीस है इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो मसाला वसाला सारा डाल चुका है तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल मेरे पास इसमें ऑलरेडी था,
तो यहाँ से थोड़ा सा बस, बस काफी है। अभी इसको हम मिक्स करेंगे। तो वो मसाला ऐड हो चुका है, तो अभी इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये तो मिक्स हो चुका है, तो पहले हम गैस का चूल्हा जला लेते हैं। तो चूल्हा जल चुका है, इसके लिए हम लोगों को एक कढ़ाई ले लेना है। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, थोड़ा सा। तो इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे ऑयल, तो ऑयल ऐड कर दिया है। तो इसे हम लोग थोड़ा देर छोड़ देंगे गर्म होने के लिए। तो अभी तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें अभी हम डाल देंगे चिकन। तो फ्लेम आपको थोड़ा लो फ्लेम में पकाना है इसको, तो फ्लेम लो कर देते हैं थोड़ा। बीच में इसे पलटते रहना है, जैसे कि आपको एक मिनट एक साइड में, एक मिनट फिर दूसरे साइड में, एक मिनट इसे पकाना है। एक साइड में ज़्यादा पकने देंगे तो एक तरफ जल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पकाना है। पक चुका है अभी, तो इसे निकालते हैं यहाँ से। तो फाइनली बना के हो गया है हम लोग का ये चिकन ग्रिल फ्राई। तो इसको अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो टेस्ट कर, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।